देखिए बहुत दुखद है, मैं बार बार कह रहा हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से ही, अखबार और सबके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, मजदूर हैं बहुत पीड़ा में, बहुत कष्ट में, बहुत दुख में रह करके लंबे समय से बिहार में आए हैं। पहले तो आने का रास्ता ही बंद था, भारत सरकार की ऐसी गाइडलाइन थी कि वो छटपटा रहे थे लेकिन उनको बुला नहीं पा रहे थे हम लोग, लेकिन बिहार सरकार के ही अनुरोध पर गाइडलाइन में परिवर्तन हुआ, आने का रास्ता साफ हुआ, वो आ रहे हैं, उनके लिए ट्रेन चल रही है। तो उनको ये अनुरोध किया जा रहा है बार बार कि बिहार को बचाना है, इस देश को बचाना है, कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, मोहल्ला के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो आने के बाद अपना स्क्रीनिंग कराएं, उसके बाद ब्लॉक में जाएं, वहाँ क्वारंटाइन का पीरियड जो है निर्धारित उसको बिता करके और उसके बाद बिल्कुल स्वस्थ हो करके, सुरक्षित हो करके अपने घर में पहुँचे ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे, गांव, टोला, मोहल्ला, महल्ला और पूरा बिहार सुरक्षित रहे। ये वो समझते नहीं हैं, अज्ञानतावश जो भागे हों कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का केस होगा, एपिडेमिक एक्ट भी लगेगा और उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। हम ये करना ही नहीं चाहते, अपने मजदूर हैं, बिहार के बेटे हैं, उन पर केस हो, मुकदमा हो, उन पर चार्जशीट हो, उनका ट्रायल हो, उनको सजा मिले, ये बहुत ही दुखद है। एक आदमी को करने में हमको पीड़ा होती है, लेकिन बिहार को बचाना है, उन्हीं को बचाना है, उनके परिवार को बचाना है, गांव को बचाना है, समाज को, देश को बचाना है, तो करना पड़ेगा, तो छोड़ेंगे तो नहीं, कार्रवाई तो होगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, प्रार्थना है कि सहयोग करें। सरकार आपके लिए कितना काम कर रही है, प्रवासी मजदूर बाहर में फंसे हुए थे, सरकार ने खजाना खोल दिया, 200 करोड़ रुपये आपके खाते में डाल दिए, आप आए मेहमान की तरह, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके खाने पीने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं कि सुरक्षित आप घर जाइए और आप हंगामा करिएगा, आप इस तरह से निकल करके भागिएगा तो क्या होगा, पूरे समाज के लिए आप खतरा बन रहे हैं। घर वालों से अनुरोध करूंगा घर में घुसने ही न दें, भाग कर जाएंगे कहाँ, जब कोई घुसने नहीं देगा तो जाएंगे कहाँ। तो पूरे समाज को, पूरे गाँव को, पूरे जनप्रतिनिधियों को, चौकीदार को और वहाँ के जो गांव के लोग हैं सबको जग करके, संगठित हो करके और इसको डिस्करेज करना होगा। घर वालों को कहना चाहिए कि बिना टेस्ट किए, बिना क्वारंटाइन हुए घर में आपको घुसना नहीं। तो सब घर वाले मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिसके घर के भाई बेटा परिवार के सदस्य बाहर से आ रहे हैं वो खुद फ़ोन करके करें, कहें कि भाई नियम का पालन करो, क्वारंटाइन सेंटर में रहो, सुरक्षित घर आओ, घर आने न, ये मेरा अनुरोध है, ये मेरा